रही हूँ, उठ रही हूँ, दे रही हूँ। क्या हो गया काडू? ओ गाड़ी के ऊपर वो सोता है और वहाँ से पूरे एरिया को ऊपर से देखता है बड़े मज़े से, तो वहाँ पे भी नहीं है। और आजकल उसका एक नया अड्डा है यहाँ पे, दो कूलर रखे हैं ढका के, इसके अंदर वो चला जाता है। बट इसका कोई शायद वहाँ ना हो क्योंकि बहुत गर्मी होगी। तो किधर गया कड्डू? और ये है उसकी फेवरेट जगह, यहाँ पर वो बैठा रहता है इस जगह पर, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। यहाँ से बैठ के वो देखता है पूरे बगीचे के अंदर। ओ डैडी यहाँ पे, हेलो हेलो बड़ा, हेलो बड़ा। आज डैडी ने अपने ड्राइंग छोटी बना दी। डैडी को देंगे थोड़ा सा खाना, क्योंकि बारिश आने को लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे खाना नहीं लिया। खाने पे चीटियाँ लग गई, खाना लेके आते हैं। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। बड़ा है ये, कैमरा में इतना बड़ा दिख नहीं रहा है बट ये रियल में बहुत बड़ा है। एक और कैट था, वो भी मेल कैट था। उसको इसने बहुत मारा था, बहुत ज़्यादा, इतना मारा था कि मतलब इतनी लड़ाई की थी उसने कि मुझे एंग्जाइटी हो गई थी देखकर ही। और फिर मुझे लगा कि बड़ा ही गंदा टाइप का, एंग्री यंग मैन टाइप का बिल्ला होगा। बट फिर जब इसके बच्चे हुए, ये इतना प्यार करता था उनको, जबकि बाकी बिल्ले मारते हैं अपने बच्चों को, मतलब मारते हैं, मतलब उनको गुस्सा आता है कि एक नई कैट आ गई है ऐसे। तो इसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था, और मैंने इतना लविंग कैट फादर तो उसको देखा ही नहीं। तो दोस्तों का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन। किधर था, किधर था, किधर गया था? घूम के आकर वो देख, वो देख तेरे पापा क्या खा रहे हैं। जब छोटा था तो हमने सोचा था इसका नाम रॉक्सी रखेंगे, बट रॉक्सी इज टू इंग्लिश। इसके काम जाटा वाले थे तो हमने इसका नाम काडू रख दिया। था भी ये काडू और इसके काम भी काडू जैसे थे। ऐसे ये जो गंदा हो रखा है ये यही करता रहता था, इसे यही पसंद है, गंदे होना पसंद है।